राम राम सारे भाइया ना भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपा ने फ़ोन कराया था वीआर देवसरी के पास, तो आपा लेवांगे आज उनका इंटरव्यू और अंदर चल रही है शूटिंग और शूटिंग भी दिखावांगे और भाई का इंटरव्यू लेवांगे। तो बने रही हो मेरे साथ में, तो आ जाओ भाई मेरे साथ में आ जाओ। कुकर शूटिंग वो है, कौन सा गाना है आप सारे बतावांगे, तो मेरे साथ में बने रही हो आप। आ जा भाई आ जा, ये स्कूल है भाई और सारे तो शूटिंग दिखाऊंगा किस तरह शूटिंग हो है और किस तरह वो एक्शन एक्शन बोल लेकर वो भी दिखाऊंगा अपने। ये स्कूल है भाई, DRS स्कूल है बीरन गांव में। यो देख लो भाई अड़ता है, यो दृश्य है, यो दृश्य दिखाओ भाई एक बारी। शूटिंग चल रही है हरियाणवी गाने की और वीआर देवसरिया ये शूटिंग चल रही है भाई और आप तो ही बात भी करावांगे कौन सा गाना है, तो बने रही हो मेरे साथ में। चल ये एक्शन एक्शन बोलने लाग रहे भाई, के एक्शन हो है और किस तरह शूटिंग हो है सारे दिखाओ एक बार। निन्न दिखाओ भाई अपना कैमरा मैन, निन्न दिखाओ ये लड़की है देखो वीआर देवसरिया का, निन्न दिखाओ भाई या शूटिंग चल रही है। ये इस साइड ने कैमरा लगा रखा है, यो लगा रखा और यो रिया विक्की आ जा। विक्की विक्की भाई राम राम। राम राम भाई क्या हो गया भाई, आपने फोन करा हाँ, और एक बार ये सारे दर्शकों ने राम राम कर दे भाई। राम राम भाई सारे दर्शकों ने रोक दे भाई। राम राम भाई सारे दर्शकों ने एक बार थामी भी कर दे भाई सारे, एक बार दर्शकों राम भाई कर दे भाई सारे। राम राम भाई राम मैडम राम राम जोर तक ठोक दो राम राम जी। हां तो मठा दो एक मैडम और है। हां मैडम क्या नाम आपका? सोनिया राज। कहाँ से हो? पानीपत से। एक बार अपने दर्शकों राम राम करो जी। राम राम जी सबको जी, या है राम राम। तो विक्की भाई आप शूटिंग कर रहे हो, कौन सा गाने की शूटिंग है भाई? शूटिंग गाने का नाम अभी फाइनल नहीं कराया है, गाने का नाम आते ही मैं आपने डिटेल दे दूंगा, सब भाई ने सब ने डिटेल दे। चलो भाई का प्यारा सा इंटरव्यू लेवांगे और बैठ के बात करांगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। अगली वीडियो में आपने दिखावांगे तो भाई का इंटरव्यू लेवांगे। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत जय हरियाणा। राम राम सारे भैया ना भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं। और आज हम ऐसे कलाकार के पास आए हैं जो कि हरियाणा में धूम मचा रखी है, भाई वीआर देवसरिया, जो आज हम भाई का इंटरव्यू लेंगे और आप तक बातचीत करवावांगे, तो बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले तो विक्की भाई अपना राम राम। राम राम भाई सारे भैया ने भी राम राम और सुंदर भाई तन्ने भी राम राम, सारे भाइयों ने हाथ जोड़ के राम राम है मेरी तरफ तक। विक्की भाई सबसे पहले तो अपना जो वीआर देवसरिया लगाओ हो पूरा नाम बताओ, क्या ये आपका नाम है? मेरा पूरा नाम विक्की राजपूत देवसरिया है। देवसरिया क्यों लगाया भाई मैंने, भाई गांव में हर कोई जब उठ के बाहर जाता है तो गांव को भूल जाते हैं लोग, गांव को भूल जाते हैं, अपना नाम ऊपर ले जाते हैं सब। मैंने क्या किया कि भाई देखा कि भाई मेरे गांव से जितेंद्र बॉक्सर हैं वो बाहर गए हैं, तो गांव को नहीं जानते लोग, उसी को जानते हैं सिर्फ। मैंने ये सोचा कि भाई नाम तो अपने आप फेस अपने आप दिखेगा, मेरे गांव को पहचाने लोग, ऐसा काम किया तो मैंने मेरा नाम शॉर्ट कर दिया और देवसर गांव मेरा गांव का नाम बड़ा कर दिया, इसलिए विक्की राजपूत देवसरिया का वीआर देवसरिया कर दिया मैंने। विक्की भाई अपनी फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली में भाई अभी रिसेंटली दो जुड़वा गुड़िया हुई हैं मुझे, एक पहले बड़ी गुड़िया थी, दो अभी हुई हैं, तो टोटल मेम्बर हम पाँच हो गए, मम्मी पापा हैं और पाँच सिस्टर हैं। आपको जो एक्टिंग लाइन है, कौन आपका आइडल है? आइडल तो मेरे देखो विजय वर्मा ही रहे हैं, लेकिन क्या कि मैंने पहले उनके साथ स्टार्ट नहीं किया था, पहले एज ए मैंने डांसर स्टार्ट किया था। मेरे गांव में एक भाई है मेरा संदीप, संदीप नाम करके है, वो डांस करता था विजय वर्मा जी के साथ, तो उसको देख के थोड़ी सी मन में ये हुई कि भाई मैं भी डांस करूं। फिर टीवी वगैरह में देखा, जब चित्रहार आता था चित्रहार पे देख के गोविंदा है सलमान है इनको डांस करते देख, थोड़ी सी मन में ये हुई कि डांस करे, तो उनको देख के थोड़ी थोड़ी कॉपी करता, फिर वो संदीप के पीछे लग गया, भाई मैं भी डांस करूँगा मैं भी डांस करूँगा। वो एक दो बार विजय से अलग शूटिंग पे लेके गया, तो वहाँ से लगभग स्टार्टिंग हुई, उसके बाद धीरे धीरे यानी कि डांस
आठ बंदों के सबसे पीछे खड़ा होना, फिर थोड़ा सा हल्का सर वो वीडियो बन के आया तो टीवी में देखा तो अच्छा लगा, थोड़ी और मेहनत की, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा प्रोग्रेस हुई, उसके बाद आगे आने लगे, फिर उसके बाद विजय भाई ने बहुत सपोर्ट किया, विजय भाई के साथ मिलकर बहुत सारे सॉन्ग किए, आपने देखे ही होंगे बहुत सारे सॉन्ग आए विजय वर्मा जी के। तो ऐसे ऐसे करके डांस ग्रुप में बहुत नहीं मिला, हरियाणा में बेस्ट डांस कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला मेरे, फिर मुझे जैसे ही विजय के साथ अटैचमेंट हुई तो वहाँ पर मुझे पवन वर्मा भाई मिल गए, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हम दोनों ने यानी कि नाम दोनों का एक साथ ही लिया जाता था, पवन वर्मा और वी आर देवसरिया, उस टाइम तो विक्की नाम था, विक्की और पवन वर्मा वो था, हमें जो कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था वो भी हम दोनों को कॉम्बो मिला था, विक्की और पवन वर्मा का बेस्ट डांस कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी करके। विक्की भाई, आपकी फैमिली में पहले भी कोई एक्टिंग वगैरह करते थे, आपने शुरू की है? नहीं नहीं, फैमिली में क्या, पूरे परिवार में ही कोई नहीं करता था। अच्छा। स्टार्टिंग मैंने की स्कूल से ही प्ले वगैरह सारी चीज़ें करता था, एक्ट वगैरह, प्ले वगैरह, स्टेज वगैरह सारी चीज़ें करता था स्कूल से ही, थोड़ा बहुत मोटिवेट टीचरों ने किया, हमारे सर जी हैं, नरेश जी हैं, सतपाल जांगड़ा जी मेरे टीचर, उन्होंने मोटिवेट किया कि भाई अच्छी एक्टिंग करता, अच्छे फेस एक्सप्रेशन आते हैं, तू किया कर, तो वहाँ से थोड़ा वहाँ से मिल गई, थोड़ी टीवी से मिल गई, थोड़ा पवन भाई का साथ मिल गया, तो धीरे धीरे बिल्डअप हो गया। पढ़ाई कितनी करी आपने? पढ़ाई मैंने भाई आठवीं क्लास तक की थी, उस टाइम मैं इस फील्ड में घुस गया था, फिर मैंने दसवीं ओपन से की है और प्लस टू ओपन से की है, लेकिन पढ़ाई मैंने आठवीं क्लास में ही छोड़ दी थी, आठवीं में कंपार्टमेंट आ गया था एक सब्जेक्ट में, वहाँ से यानी कि मन टूट गया कि भाई पढ़ाई नहीं करेंगे, और कुछ बच्चा था, छोटा था उम्र का, तो ये नहीं था कि पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस टाइम डांस इतना पैशन बन गया था कि भाई डांस के अलावा कुछ नहीं दिखता, अगर एक टाइम का खाना मिस करना हो तो खाना मिस कर दूंगा, लेकिन शाम को डांस करना है तो डांस ही करना है। फिर बाद में ग्रेजुएशन कर ली मैंने, प्लस टू पास कर लिया अभी, और आगे भी करूँगा जी। अगर आप इस लाइन में नहीं होते तो क्या करते आज? अगर मैं इस लाइन में नहीं होता तो मैं आज बिजली बोर्ड में होता जी, मुझे बहुत शौक है लाइट का, बहुत ज़्यादा शौक है, मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ लाइट का, जैसे कि कोई चीज़ खोल ली, चलती लाइट में हाथ से जोड़ दिया, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ मैं, लाइट का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, बहुत ज़्यादा इतना वो करता हूँ कि मैं उसको एक अपने हिस्सा मानता हूँ लाइट को, उसको बहुत, आज भी मैं उसको कुछ ना कुछ करता रहता हूँ भाई, चाहे फीस फील्ड में हूँ लेकिन लाइट से मैं खेलता रहता हूँ, है वो डेंजर आप मत करना भाई, उसके लिए बहुत सेफ्टी होती है, लेकिन मुझे पसंद है लाइट में, यानी कि मैं बिजली बोर्ड में होता अगर इस लाइन में ना होता। तो विक्की भाई, इतनी आपने कितने सॉन्ग कर लिए? सॉन्ग अगर पूरे देखूं मैं ग्रुप से लेके स्टार्टिंग से लेके अब तक टोटल कैमरे के सामने जितना काम किया तो समथिंग 150 से ऊपर सॉन्ग कर चुका हूं। अगर एज ए हीरो जब से मैंने स्टार्ट किया तो 20 से 25 के बीच में मैंने सॉन्ग कर लिए जी। कौन सी जो अपने एक्ट्रेस हैं, किसके साथ काम किया आपने? हरियाणा में मोस्टली अभी रिसेंट में जो हैं, जस्ट अभी कोई नई आई है उसको तो कहता नहीं, लेकिन और हरियाणा में सपना चौधरी से लेके सोनिका सिंह, अभी तक अंजलि, शिखा राघव, जो भी हैं, जो हमारे आज से 3-4 साल पहले की हिट हीरोइनें हैं, उनके सब के साथ काम कर रखा है और अच्छा काम कर रखा है सभी लड़कियों के साथ, बहुत ही मज़ा आता है, प्रोफेशनल बंदे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अभी जो नई आई है उनका तो मैं कहता नहीं, क्योंकि अभी धीरे धीरे, जैसे आज भी मेरा सूट है तो उस पर नई लड़की आई हुई है, तो उनके साथ आज हो गया, तो धीरे धीरे करते रहते हैं सबके साथ जी। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस किसके साथ रहा है आपका? अगर सही मायने में देखा जाए तो कि भाई जहाँ कंफर्टेबल फील होता है कि भाई ये लड़की या ये मॉडल मेरे साथ अच्छा काम करती है या मुझे खुशी मिलती है जिसके साथ काम करके, वो हरियाणा में सोनिका सिंह। सोनिका सिंह बहुत अच्छा काम करती है और हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है भाई, होता है कि मुझे इसके साथ कंफर्टेबल फील होता है, तो वो सोनिका सिंह हरियाणा में, जिनका आपने गाना सुना होगा 4G का जमाना, छोरी लाइव चैट करेगी, बहुत हिट सॉन्ग है मैडम की, बहुत अच्छा काम करती है और उनके साथ काम करके अच्छा लगता है जी। गुस्सा भी आया कभी कभी? गुस्सा तो नहीं आता लेकिन हो जाती है कई बार, क्या होता है कि कोई सीन एक ही बार लेना होता है, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ये सीन हम एक ही बार शूट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसमें, वो प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो जाए तो हम उसे दोबारा नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा सीन हो कि भाई वो एक ही बार करना और उसमें बंदा कोई गलती कर दे तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत चलता रहता है शूटिंग में, कोई बात नहीं, एक बार धमका दिया किसी लड़के को, सपोर्ट बॉय को, तो ऐसी बड़ी बात नहीं कि बोल देते उसको बाद में सॉरी भी बोल देते हैं, क्योंकि गुस्सा 2 मिनट आता है, तो ऐसी बात नहीं, कर लेते हैं, मैंने जितना गुस्से वाला आदमी हूँ नहीं मैं जी। आप इस लाइन में आए हो, घर वालों का कितना सपोर्ट रहा है?
भाई मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया, जो चीज़ें मांगी स्टार्टिंग में उस टाइम तो कंपनी वाले पैसे वगैरह नहीं देते थे, तो घर वालों से कभी 20,000 50,000 उस टाइम तो 20,000 रुपये में बहुत सॉन्ग हो जाते थे, तो घर वालों ने बहुत फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया और वैसे भी बोल देता भाई तुझे जो करना है कर, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। घर वालों ने पढ़ाई के लिए भी फोर्स नहीं किया, अगर तुझे पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, तुझे सॉन्ग में जाना है सॉन्ग कर, डांस करना है डांस कर, जो तेरी मर्जी। इकलौता हूँ मम्मी पापा का, 5 सिस्टर हैं, लड़का एक ही हूँ, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया, गाड़ी मांगी गाड़ी दे दी, जिस चीज़ के लिए जो हेल्प मांगी घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया भाई, बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू विक्की भाई। सॉन्ग के साथ में आपने नाटक वगैरह भी करे? हाँ नाटक वगैरह भी किए हैं, कॉमेडी सीरीज भी की है, और फाइटर मूवी आई थी जो विजय वर्मा जी की वो भी की है, और भी बहुत सारे नाटक किए हैं। हमारे झंडू जी हैं कॉमेडी, जो कॉमेडी करते हैं उनके साथ भी बहुत सारे नाटक किए हैं मैंने, और जोगेंद्र कुंडू जी हैं उनके साथ भी वेब सीरीज़ भी किए हैं, खुद के भी किए हैं। पवन वर्मा भाई हैं वो भी कॉमेडी बनाते हैं, उनके साथ भी काफ़ी कॉमेडी की है, तो यानी कि ऑल पैकेज किया है, सॉन्ग भी किए हैं, मूवी भी की है, और कॉमेडी भी की है, वेब सीरीज़ भी की है, हर तरीके से हरियाणा में जो काम होता है वो हर तरीके से किया है इस लाइन में। सॉन्ग सबसे हिट कौन सा रहा है आपका? मेरा सबसे बड़ा हिट सॉन्ग रहा था आशिक परमानेंट, जो कि मोहित शर्मा ने गाया था, आशिक परमानेंट हिट हुआ था। उसके बाद मेरा कुड़ी कुवारी हुआ था, और रिसेंटली अभी हिट हुआ था वीडियो कॉलिंग सॉन्ग मेरा, और अभी 2-3 सॉन्ग और आने वाले हैं, और एक अभी जस्ट 15 दिन पहले ही आया है ब्रेवरी सॉन्ग और गेम, वो भी मोहित शर्मा ने गाया है। गेम सॉन्ग अच्छा चल रहा है, मोहित भाई ने गाया है, जो कि बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है, अभी आपने देखा होगा या आप देखोगे अभी, वो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा। पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? मेरा पहला सॉन्ग एज ए ग्रुप वाला या एज ए हीरो वाला? हीरो वाला, एज ए हीरो वाला आशिक परमानेंट ही था मेरा। अच्छा। पहला सॉन्ग ही ऐसा था जो चल, पहला ही सॉन्ग किया था मैंने और पहला ही हिट हो गया था। कौन सीजन में किया था वो? वो 2014 में किया था मैंने जी। दिनचर्या कैसी रहती है आपकी, मतलब सुबह उठते हो शाम तक क्या करते हो आप? दिनचर्या देखो अब ये है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है भाई, तो लॉकडाउन में बस अपना मोबाइल है, ये आप जैसे दोस्त हैं 4-5 गांव में, अगर कोई काम नहीं होता उनके पास बैठ लेते हैं, ओका वगैरह पी लेते हैं कभी कभी, और बाकी टाइम मोबाइल है, मोबाइल में चल जाता है काम। और अभी भाई 3 गुड़ियां हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है, अभी 1.5 महीने की हुई, 2 जुड़वां गुड़िया हुई मुझे, तो मोस्टली टाइम अब उनके साथ ही निकलता है। 2 हैं, एक को लेता हूँ दूसरी रोने लगती है, कभी उसको ले लिया कभी उसको ले लिया, तो यानी कि ज़्यादा टाइम मैं बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ या फिर स्टूडियो में म्यूज़िक पे जी। फल में आपको कौन सा फल पसंद है, मतलब क्या खाते हो आप? अनार। अनार, अनार मेरा फेवरेट है। और सब्जी? सब्जी भिंडी की। भिंडी जी, भिंडी। भिंडी क्यों पसंद है? भिंडी इसलिए पसंद है कि मैं काफ़ी टाइम विजय वर्मा जी के साथ रहा हूँ, समथिंग 6 से 7 साल मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, वो उनकी फेवरेट थी, तो उनकी फेवरेट इतनी थी कि वो भिंडी खिला खिला के इतना वो कर दिया कि मेरी भी फेवरेट हो गई, मतलब आपने बाण पड़ गई फिर। हाँ जी, हरियाणवी भाषा में कहा तो भाई मन ने भी बाण पड़ गई भिंडी खाने की। अगर आपने घूमने कितने जाना हो तो सबसे बढ़िया जगह कौन सी लगा आपने? अगर घूमने की बात करें तो भाई, तो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग ईयर से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं सबसे पहले जाता हूँ वैष्णो माता पे, हर साल जाता हूँ, इस साल नहीं जा पाया लॉकडाउन की वजह से। सबसे पहले जाता हूँ मैं वैष्णो माता के वहाँ कटरा में, वहाँ जाके सबसे पहला धाम वही होता है, उसके बाद गोवा है, मुंबई है, कोलकाता है, कोलकाता अभी पिछले साल जाके आया था, और अब की बार मुंबई जाने का प्लान है कि भाई अब की बार मुंबई घूम के आएंगे। देखो घूमने के लिए जगह हमारे यहाँ माउंट आबू है, वहाँ गया था पिछले साल, कोलकाता गया था, गोवा गया था, लेकिन सबसे अच्छी जगह है अपनी गोवा, जहाँ पे अगर आपको इंजॉय करना है घूमना फिरना है तो गोवा सबसे बेस्ट है अपनी इंडिया में, मेरा मानना है, और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। शूट करते हो तो शूटिंग के टाइम पे कोई ऐसा हादसा या कुछ ऐसी कहानी हुई हो जो आपको अपने दर्शकों ने बताना चाहो? शूटिंग के टाइम एक हुआ था 6-7 साल पहले कि एक सॉन्ग कर रहे थे हम बुलेट फॉर कॉलेज, मंजीत रंगी जी हैं दिनों से, उन भाई का करवा रहा था मैं सॉन्ग, तो उसमें बुलेट के ऊपर सीन करना था, और मैं मंजीत जी को बता रहा था कि बुलेट को ऐसे चला के यहाँ पे ऐसे रोकना है, और मेरे पीछे बैठी थी सोनू सोनी जी जिनका सेक्टर 15 में कोठी है, वो बैठी थी, तो उनको बता रहा था, रिहर्सल कर रहे थे, तो वो बाइक का स्टैंड नहीं लगा और बाइक गिर गई, तो सोनी को भी चोट लग गई और मुझे भी चोट लगी, तो 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था, ज़्यादा चोट लगी थी, तो वो हादसा नहीं बोलूँगा। वगैरह करते हो तो उसमें सबसे अच्छा डायलॉग कौन सा रहा आपका?
एक किया था कॉमेडी का, उसमें एक था ताई तू के चांद पे जागी, ये डायलॉग किया था मैंने। वो यानी कि फील है कि भाई उसमें दम लगा मुझे, वो जब भी अब कुछ मजाक करना होता है तो हम अब वो ट्रेडमार्क बना रखा है कुछ भी, उस टाइम तो ताई तू चांद पे जागी था। अब जैसे मैंने आपके साथ मजाक करना हो तो मैं कहूँगा सुंदर भाई तू चांद पे जागा, तो वो एक ट्रेडमार्क बना रखा है, वो अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा डायलॉग था वो। यानी कि एक्टर हैं तो कौन से एक्टर के साथ काम करके आपको अच्छा लगता है? देखो हरियाणा में सभी आर्टिस्ट अच्छे हैं, सभी के साथ काम करना अच्छा लगता है। मैंने आज तक जितना भी जिसके साथ काम किया है सबके साथ अच्छा लगा, लेकिन सोनू कानपुरिया जी हैं वो बिल्कुल डिट्टो मेरे जैसे ही हैं, या मैं उनके जैसा हूँ, हमारा लुक एक जैसा है, हम 90% तक सेम हैं, तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी बनती है। तो हमें ये नहीं बताना पड़ता कि अब आपको ये करना है, हम एक दूसरे को देख के ही समझ जाते हैं कि उसने ये बोला तो तुझे ये बोलना है, तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी है। तो सोनू कानपुरिया जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। सोनू कानपुरिया के साथ कब मिले आप? सोनू कानपुरिया के साथ समथिंग मैं 10 साल पहले मिला था, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था, मैं विजय वर्मा जी के साथ काम करता था, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि आप, उस टाइम मैं ग्रुप डांसर में था, तो उन्होंने मेरे पास ग्रुप के लिए कॉल किया था कि आप मेरे ग्रुप में आ जाओ और 2-3 सॉन्ग करने हैं। तो विजय भाई से मैंने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे फ़ोन आया, तो विजय भाई बोले कोई बात नहीं आप जाओ। तो मैंने उनके साथ ग्रुप में जाके पहली बार काम किया था शायद 2010 या 2011 में। जी तो ये थे हमारे साथ में वी आर देवसरिया और हम भाई का हमारे चैनल पे आने से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो कि इतना कीमती समय दिया भाई ने। विक्की भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुंदर भाई आपका भी और आप लोगों का भी। भाई भाई के चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो स्टार सुंदर न्यूज़। भाई बहुत मेहनत करता भाई, मैं भी भाई की वीडियो देखता हूँ, शेयर करता हूँ। भाई काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि इंटरव्यू देना और आज शूट था तो मैंने बुला लिया, भाई आज आ जाओ आप इंटरव्यू ले लो। तो भाई बहुत मेहनत करता, भाई भाई को सपोर्ट करो और ऐसे ही पूरे हरियाणा को सपोर्ट करते रहो भाई। हाथ जोड़ के राम राम आप सबको, धन्यवाद। तो धन्यवाद करना चाहूँगा मैं विक्की भाई का। तो विक्की भाई अपने दर्शक देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहोगे, कुछ संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है कि भाई देखो अभी तो हम सब एक बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस और आप अपने को बचा के रखो, और भाई जितना हो सकता है भाई हरियाणा के कलाकारों को सपोर्ट किया करो मेरे भाई। क्या है कि आप जब सपोर्ट करोगे तभी हमारा घर चलेगा, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम कलाकार कहाँ जाएंगे। तो भाई हाथ जोड़ के सबसे विनती है, मुझे नहीं हरियाणा में जितने भी कलाकार हैं ना सबको सपोर्ट करो जितना आप कर सको। अगर आपको अच्छा ना लगे ना तो आप उस बंदे को बताओ आपका काम अच्छा नहीं है, आपका काम बुरा है, आपका अच्छा, जो कुछ भी आपकी थिंकिंग है वो बताओ, लेकिन सपोर्ट करो मेरे भाई, यही रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई विक्की देवसरिया के जो इंटरव्यू के बोल हैं कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।